नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्सेज न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। भैंसदेही के खामला के बोरखेड़ी गांव के पास ग्रामीणों की पिकअप पलटने से हुआ गंभीर हादसा। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, सभी अस्पताल में हैं भर्ती, सभी का इलाज जारी। बैतूल रेलवे स्टेशन के पास बीते दिनों मिला था अज्ञात शव। शव की शिनाख्त में पुलिस कर रही है लगातार प्रयास। गंसाना पुलिस के द्वारा उक्त मृतक के शव का करवाया गया कल पोस्टमार्टम। अब तक शव के शिनाख्त के प्रयास जारी। बैतूल माझीनगर इलाके का मामला। तेज रफ्तार बाइक के चक्के में पैर फंसने से एक बुजुर्ग महिला हुई गंभीर रूप से घायल। कल उपचार के लिए उक्त बुजुर्ग महिला को लाया गया जिला चिकित्सालय। फिलहाल जिला चिकित्सालय में इलाज जारी। बैतूल कलयुगी महिला ने एक पिता और पुत्र की कर दी पिटाई। पिटाई के बाद पिता पुत्र जिला चिकित्सालय में भर्ती। भयावड़ी गांव का मामला। पुलिस द्वारा इस मामले की जा रही है जांच। बैतूल मुआवजा नहीं मिलने से परेशान किसान परिवार ने रोके बंसल कंपनी के ट्रक। हाईवे पर लगा जाम। किसानों द्वारा फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी के ट्रकों को रोका गया। किसानों का कहना है कि 6 माह पूर्व आश्वासन के बाद भी अब तक मुआवजा खातों में नहीं आया, जिसके बाद सड़कों को किया गया है जाम। बैतूल कलेक्ट्रेट रोड पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा लगातार दिया जा रहा है धरना। कल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हाथ में बिना रोशनी के दीपक लेकर जिला मुख्यालय पर किया अनोखा प्रदर्शन। बैतूल दनोरा गांव का मामला। बाइक सवार को मारी टक्कर तो ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को पकड़कर पीटकर कर दिया गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर और क्लीनर फिलहाल अस्पताल में भर्ती, दोनों का इलाज जारी। मुल्ताई कल साप्ताहिक बाजार गुरुवार के दिन दिखाई दिया लंबा जाम। फवारा चौक सहित नगर के अंबेडकर चौक से नदारद रही पुलिस। ट्रैफिक जाम से मुल्ताई नगरवासी आए दिन होते रहते हैं परेशान। शासन प्रशासन को इस ओर देना चाहिए ध्यान। मुल्ताई तेज बारिश के बाद मुल्ताई के साप्ताहिक बाजार सहित आसपास के इलाकों में भरा पानी। अव्यवस्था को लेकर महिला मोर्चा अध्यक्ष ने मुल्ताई सीएमओ से की शिकायत। वहीं बड़े बाजार, जिसे साप्ताहिक बाजार भी कहा जाता है, में व्यवस्था को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। मुल्ताई दिन में छाया अंधेरा, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई प्रारंभ। वाहन चालकों को चालू करनी पड़ी लाइट। लोगों ने कहा उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहली बार मई के महीने में देखी है इस तरह की बारिश। वहीं बारिश के बाद कूलर और पंखे की बिक्री पूरी तरह से हो गई है बंद। मुल्ताई नगर में कुत्तों का लगातार बढ़ते जा रहा है आतंक। प्रमुख मार्गों के अलावा कुछ वार्डों की गलियों में भी कुत्तों का झुंड लोगों को करता है परेशान। नगर पालिका से कुत्तों की धरपकड़ करने की नगरवासियों ने करी मांग।
मुल्ताई माँ ताप्ती सरोवर के तट स्थित मंदिरों से रोजाना निकलते हैं 40 से 50 किलो फूल और बेलपत्र। मंदिरों से निकलने वाले फूल बेलपत्र सहित अन्य पूजन सामग्री को लेने के लिए पहले आता था नगर पालिका का अलग से वाहन, लेकिन अब हो गया है वाहन बंद। खाद बनाने की कंपोस्टिंग मशीन बीते 2 सालों से बंद। आमला बाबरबो गांव में किसान के मकान में रखी 51 गेहूं की बोरियां हुई चोरी। आमला पुलिस थाने में मामला किया गया दर्ज। 48,000 रुपए का बताया जा रहा है नुकसान। शाहपुर पहुंची यात्रा, बीड़ी माचिस और गुटके पाउच पर भगवान की फोटो न छापने की साधु संतों ने करी लोगों से विनम्र अपील। शाहपुर कुंडी गांव में बुलेरो अनियंत्रित होकर पलटी। बुलेरो के अनियंत्रित होकर पलटने की घटना के बाद 2 महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। सारनी सतपुड़ा पावर प्लांट सारनी में 10 नंबर और 11 नंबर इकाई ने बिजली उत्पादन में पहली बार पूरे किए 200 दिन, बनाया नया रिकॉर्ड। दोनों इकाइयां 15 अक्टूबर 2022 से लगातार रही है क्रियाशील। उल्लेखनीय है कि दोनों इकाइयों ने गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी 200 दिन से अधिक अनवरत विद्युत उत्पादन करने का बनाया था कीर्तिमान। भीमपुर वार्ड क्रमांक 11 में 8 घंटों तक बिजली सप्लाई रही बंद। बिजली सप्लाई बंद रहने के बाद वार्ड वासियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर विद्युत सप्लाई को किया चालू। आठनीर भैंसदेही से आठनीर जा रही एक यात्री बस में निकला सांप। सांप निकलने की सूचना मिलते ही दहशत में आए यात्रीगण। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सर्पमित्र। सांप को निकाला गया सुरक्षित बाहर। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।